हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल साई चैनल। हम लोग साइंस की एनसीईआरटी कवर करते आ रहे थे, जिसमें से क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी जो साइंस है उसका चैप्टर थ्री रह गया था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कल फिर से कमेंट करके रिमाइंड कराया और मैंने स्पेसिफिकली याद करके आज इस भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी वीडियो साइंस की देखना चाहते हैं, इसमें जो साइंस की वीडियोज़ हैं, जनरल साइंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होती है। इवन आप जो वन डे एग्ज़ाम्स देते हैं, एसएससी प्रीलिम्स देते हैं, या फिर आप लोग स्टेट के प्रॉब्लम्स देते हैं या स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन, इन सब में इन सारी साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। आप अगर बाकी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाइए और एनसीईआरटी जो है उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसमें सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो आज है चैप्टर नंबर थ्री की बारी, जिसमें है फाइबर टू फैब्रिक। कैसे हम फाइबर को लेकर, धागों को लेकर एक फैब्रिक यानी कि कपड़ा तैयार करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि वूल को हम कहाँ से लेते हैं। वूल को बेसिकली हम जो फाइबर है, अगर मैं कहूँ, या फिर वूल है, इसको हम फ्लीस यानी कि हेयर से लेते हैं। ये बाल किसी के भी हो सकते हैं, शीप के हो सकते हैं, याक के हो सकते हैं। सिल्क फाइबर्स जो होती हैं, स्पेसिफिकली यहाँ लिखा गया है सिल्क की जो फाइबर्स होती हैं वो सिल्क का मॉथ प्रोवाइड करता है या उसके कोकून से मिलती हैं। इसके लिए हमें पूरा का पूरा सिल्क का लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जगहों से हम फाइबर्स को इकट्ठा करते हैं, अलग अलग जगहों से हम हेयर को इकट्ठा करते हैं, चाहे कैमल के हेयर हो, चाहे वो शीप के हेयर हो, चाहे वो गोट के हेयर हो, बकरी के बाल हो गए, इन सारी चीज़ों का हम बहुत सारे फैब्रिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को डिटेल में इस तरह से देखेंगे। आप सब लोग जो स्वेटर पहनते हैं वो भी एक तरह के धागे से ही बना है, यानी कि जो वुलन है, जो ऊन है, वो भी किसी धागे से बनी होगी। तो ये चीज़ें जो है आई कहाँ से, इसको हम इस चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंशन किया गया है एनिमल फाइबर्स के बारे में, यानी कि जानवरों में कौन कौन से फाइबर पाए जाते हैं। बेसिक जो दो मैंशनड हैं वो है वूल और सिल्क। सबसे पहले हम वूल को कवर करते हैं। वूल, इन्होंने कहा है जो ऊन है हमारी, ऊन के धागे जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ये मिलते हैं हमें शीप से, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं, ओके। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि शीप, गोट, याक और कई सारे अदर एनिमल से हमें वूल मिलती है। ये वूल पैदा करने वाले जो जानवर हैं ये कहाँ से पैदा करेंगे, इनको कैसे इनको प्रोड्यूस करेंगे। देखो बच्चों, जो इनके ऊपर बॉडी पे हेयर होते हैं वो हेयर को यूज़ करके हम फाइबर्स बनाते हैं, या फिर वही हमारे फाइबर्स का काम करती हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर जो हेयर होते हैं, इनमें बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर हैं हीट के। इसीलिए इनकी बॉडी जो है, इनके बाल इनको क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, इनको वार्म रखते हैं। इसीलिए आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जितने हिली एरियाज़ हैं, अगर आप कभी हिल स्टेशन गए हैं तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि उन्हें कोल्ड से बचा के रखें। और जैसे कि आप प्लेन्स में देखते हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो यहाँ जो एनिमल्स हैं उनके हेयर कम होते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपनी बॉडी और आर्म्स और अपने हेड, यहाँ पर अपने हेयर को ऑब्ज़र्व करिए। क्या आपको कोई डिफरेंस फील होता है कि बॉडी के हेयर कैसे हैं, आर्म के कैसे हैं, या फिर सर पे जो बाल हैं वो थोड़ी अलग तरीके के हैं। कुछ बाल आपको लगेगा बालों के हेयर के सॉफ्ट है, हेड के सॉफ्ट है, या फिर आपको अपने आर्म्स के बाल थोड़े से अलग तरीके के लगेंगे। तो बॉडी के हर पार्ट के जो बाल होते हैं वो अलग टेक्स्चर के होते हैं। अब जो शीप होती है, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको एक शीप दिख रही है। इस शीप के केस में भी ऐसा है, इसकी जो हेयरी स्किन होती है दो तरह की फाइबर्स बनाती है, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब देखिए, कोर्स बियर्ड हेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोर्स यानी कि रफ होंगे, और कुछ बाल होंगे जो बहुत ही फाइन और बहुत ही सॉफ्ट होंगे, जो हमें बेटर फाइबर दे सकेंगे। तो जो फाइन हेयर होते हैं वो वूल को बनाने में हमें हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं शीप की जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन अंडर हेयर होता है, यानी कि कोर्स बियर्ड हेयर होता ही नहीं है। बियर्ड समझ गए आप लोग, यानी कि माउथ के आसपास के जो बाल होते हैं उनको नहीं प्रेफर किया जाता। उसकी जो अंडर स्किन होती है, यानी कि स्पेशली शीप का जो स्टमक के आसपास का जितना अंडर स्किन एरिया होता है, यहाँ पर जो वूल होती है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है एक अच्छी वूलन को बनाने के लिए। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसी शीप्स भी होंगी जिनकी ब्रीड ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे फाइन हेयर पाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है, उन शीप्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनको आपस में
उनको मेटिंग करवा के उनका बेबी यानी कि उनका ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है, और वही जो उनका बेबी होगा, सपोज देखो बच्चों ये जो है ये एक मेल है और इसी के साथ एक फीमेल शीप भी होगी, ये जो फीमेल शीप है और ये जो मेल है इन दोनों के जो हेयर हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है बाकी सारी शीप से अगर मैं कंपेयर करूँ तो, मैं इन दोनों का आपस में मेटिंग करवा के इनका जो छोटा बेबी शीप होगा उसको सिलेक्ट करूँगी ताकि उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो फाइन हेयर प्रोड्यूस करते हैं और उसी को यूज़ करके एक अच्छी वूल बनेगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसके बारे में लिखा है। इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शीप। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद बताया कि कौन कौन से एनिमल हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है, वूल मिलती है। कई सारी ब्रीड्स हैं शीप की इंडिया में जिससे हम वूल यूज़ करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये जो शीप है इकलौता एनिमल नहीं है जिसके हम फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें स्पेसिफिकली अगर मैं शीप वूल की बात करूँ तो तिब्बत और लद्दाख में ये पाई जाती हैं। उसके बाद मोहेयर कहाँ से ली जाती है, अंगोरा गोट, देखिए एक बकरी है जिसका नाम है अंगोरा, ये रही। तो इसके इससे भी कुछ हम हेयर ऑब्टेन करते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा बकरी यानी कि गोट के भी हेयर को हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली कश्मीर की गोट्स की बात करूँ उनके बाल बच्चों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इससे बहुत ही फाइन और बहुत ही मुलायम शॉल्स बनती हैं, और ये शॉल्स अपने आप मदर से पूछ सकते हैं या फिर अपने घर में किसी को भी देखिए, पश्मीना शॉल इसको कहते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छी शॉल होती है, अगर आपके घर में है तो ज़रूर इसको निकाल कर देखिएगा, ये इसी गोट के हेयर से बनी है। इसके अलावा कुछ कैमल्स यानी कि ऊँट होते हैं जिनके बालों को हम इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में, वूल बनाने में, जैसे कि लामा और अल्पाका। तो लामा और अल्पाका जो साउथ अमेरिकन कैमल हैं उनका भी वूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं आगे, एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। कुछ एनिमल्स की आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनके हेयर को वूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। तो ये एक्टिविटी आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी टीचर करवा देंगी। देखिए यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छे से कैमल की पिक्चर दी गई है, याक इसकी वूल भी हम यूज़ करते हैं, लामा एक ऊँट है यानी कि कैमल है जिसके हेयर को यूज़ करते हैं, अल्पाका भी एक कैमल है जिसकी जो हेयर है उसको हम वूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल पे। अब इसके बाद बताया गया है कि किस तरह से वूल को ऑब्टेन किया जाता है, किस तरह से शीप्स का पालन पोषण किया जाता है ताकि उसकी वूल को हम यूज़ कर सकें। सिलेक्टिव ब्रीडिंग तो मैंने बता दिया है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, अगर आप कभी हिल्स में जाएंगे, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, उत्तरांचल, अरुणाचल, सिक्किम, या फिर प्लेन्स में जाएंगे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो आपको शेपर्ड्स दिखेंगे, कुछ ऐसी जगहें दिखेंगी जहाँ पे बहुत सारी शीप्स जो हैं वो चारा चर रही हैं। ये जो शीप होती हैं ये हर्बीवोर्स होती हैं यानी कि ये घास या हरी पत्तियाँ खाती हैं। इसके अलावा ये जो ग्रेजिंग शीप होती है इसको जो पालन पोषण करने वाले जो किसान होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं। उस खाने में क्या होती हैं, दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स या फिर और भी कई सारे फूड मटेरियल जो होते हैं वो उनको खिलाते हैं। फिर उसके बाद जब इनका पालन पोषण करते हैं, अच्छे से इनको खिलाते पिलाते हैं, तो फिर विंटर में क्या होगा, विंटर में शीप्स को अंदर रखा जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और उन्हें बहुत सारी लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर यानी कि चारा खिलाया जाता है। अब देखिए शीप्स का पालन पोषण करेंगे क्यों, ताकि हम उसकी वूल को यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, ये जो शीप्स होती है इनका एक सिलेक्टिवली ब्रीडिंग किया जाता है जिसमें से जो पेरेंट होगा उसकी जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए यानी कि उसके हेयर बहुत फाइन होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, और बेटर क्वालिटी की शीप्स मिलेंगी तो और बेटर वूल हम उससे ले सकते हैं। अब वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ। जैसी हेयर ग्रोथ थिक हो जाएगी यानी कि बहुत अच्छे से घने बाल आ जाएंगे, उसको हम रिमूव करके यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद बताया है प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, फाइबर को वूल कैसे बनाया जाता है। वूल को जो स्वेटर बुनने के लिए किया जाता है या फिर शॉल बुनने के लिए किया जाता है यूज़, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। लेकिन आप जो घर में शॉल्स देख रहे हैं, स्वेटर देख रहे हैं, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ये बना कैसे, आप खुद सोचिए कि हमने शीप से जैसे ही वूल निकाली या फिर हमने जैसे ही फाइबर्स निकाली उससे इमिजिएटली तो स्वेटर बन नहीं सकता है ना, या शॉल बन नहीं सकती। अगर मैंने गोट से पश्मीना जो गोट है उससे हमने फाइबर निकाली तो शॉल तो बन नहीं जाएगी। तो उसके बीच में क्या प्रोसेस होता है वो ये स्टेप्स बताए गए हैं।
सबसे पहले यहाँ पे स्टेप दिया है कि फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन, यानी कि बहुत ही थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ जो हेयर हैं शीप के सबसे पहले रिमूव किए जाते हैं, और इस बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं शियरिंग। इसे याद रखिएगा, शियरिंग इज रिमूवल। फिर उसके बाद कुछ मशीन्स होती हैं जो बार्बर्स यूज़ करते हैं, उन मशीनों के थ्रू रिमूव करते हैं। हेयर को जनरली हॉट वेदर यानी कि गर्मियों में रिमूव किया जाता है, क्योंकि ठंड लगेगी अदरवाइज विंटर्स में रिमूव कर देंगे। इससे क्या होता है कि गर्मियों में बिना प्रोटेक्टिव कोट या हेयर के वो सर्वाइव कर सकती है, उसे ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। ये हेयर हमें क्या देते हैं, वुलन फाइबर्स। वुलन फाइबर्स को बाद में प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, वुलन यार्न, ऊन के गोले बनाए जाते हैं या ऊन बनाई जाती है इन फाइबर्स को यूज़ करके। अब आप सोचेंगे जब ये शेयरिंग करते हैं, उनके बालों को रिमूव करते हैं मशीन से, तो उन्हें बहुत पेन होता होगा। देखिए, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। ये इसलिए हर्ट नहीं करती है क्योंकि जैसे आप अपने जो शेविंग करते हैं, आपके फादर घर पे अगर शेव करते हैं, एंड इफ़ यू आर अ बॉय यू विल शेव इन फ्यूचर, तो शेविंग से आपको दर्द नहीं होता बालों को काटने से, तो उसी तरह की ये शेविंग होती है, इट इज़ वेरी पेनलेस। तो और अपर मोस्ट लेयर जो होती है स्किन की वो डेड होती है, तो भी इसीलिए पेन नहीं होगा, और समय के साथ साथ फिर से हेयर रीग्रो कर जाते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी फेमस ब्रीड्स हैं, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो टेबल है कुछ ब्रीड्स का नाम है, और बताया गया है कि उनकी वूल किस क्वालिटी की होती है और कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दी गई है लोही ब्रीड। लोही शीप जो होती है उसकी वूल बहुत गुड क्वालिटी की होती है, और वो राजस्थान पंजाब में मिलती है। रामपुर बुशहर जो है वो ब्राउन फ्लीस देती है, ब्राउन कलर का बाल होता है उसका, ये यूपी और हिमाचल में पाई जाती है। इसके अलावा नाली नाम की एक ब्रीड है, इसकी कारपेट के लिए वूल दी जाती है, और ये पाई जाती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। इसके अलावा है बर्खवाल, ये वुलन शॉल्स के लिए इसकी फ्लीस को यूज़ किया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फिर उसके बाद दो गुजरात की ब्रीड है, मारवाड़ी और पटनवाड़ी, इनकी जो वूल है कोर्स है और होइजरी के लिए यूज़ की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप नंबर टू, बाल तो रिमूव कर दिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टेप नंबर टू में जो शेयर्ड स्किन होती है हेयर के साथ साथ, उसे धोया जाता है टैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको खुद ही पता है एनिमल्स के जो हेयर होंगे वो क्लीन तो होंगे नहीं, बहुत ही डर्टी होंगे, उसमें डस्ट होगी, ग्रीस होगी, गंदगी होगी, तो उस गंदगी को रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, गंदगी को जो रिमूव करना है हमने टैंक में वॉश करके, उसे कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए भी मशीन्स यूज़ की जाती हैं, इसमें आप नीचे देखिए स्कोरिंग की जा रही है टैंक के अंदर। ये दोनों जो अंकल जी हैं या फिर भैया हैं, ये दोनों मिलके स्कोरिंग कर रहे हैं, पानी में वूल को अच्छे से धो रहे हैं, इसको कहते हैं स्कोरिंग। नेक्स्ट है स्टेप नंबर थ्री, जिसे कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, इसे फैक्ट्री भेजा जाता है वूल को, और अलग अलग टेक्सचर के हेयर को तैयार किया जाता है या सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए स्कोरिंग की जा रही है, देखिए यहाँ पे स्कोरिंग की जा रही है, वॉश किया जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए बहुत हाई लेवल से पानी गिराया जा रहा है और वूल को स्कोरिंग करके यानी कि क्लीन करके साफ़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में रोलिंग की जा रही है, ऊन के गोले बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, सॉर्टिंग करने के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर फोर, जो छोटी छोटी फ्लफी फाइबर्स होंगी जिन्हें अब कहेंगे हम बर्स, burrs, बर्स, इनको हम हेयर से रिमूव कर लेते हैं, जो फ्लफी फाइबर्स होती हैं। ये वही बर्स हैं जो आपके स्वेटर पे कभी कभी आ जाती हैं, आप कहते हैं ना स्वेटर में बर लग गई है, तो ये वही बर्स होती हैं। इनको फिर से हटाया जाता है, सुखाया जाता है, और अब इसकी फाइबर बनाई जाएगी यानी कि इसके धागे बनाए जाएंगे। ये जो फाइबर है बच्चों, फिफ्थ स्टेप में अगर आप देखो तो इनको कई सारे कलर्स में आप डाई कर सकते हो, जिस कलर का भी आपको चाहिए। और नेचुरली अगर देखें तो शीप और गोट का ब्लैक होता है, ब्राउन या फिर वाइट होता है। नेक्स्ट स्टेप में फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाएगा, डेफिनेटली, नहीं तो आपकी मम्मी को स्ट्रेट ऊन कैसे मिलेगी। कोम किया जाएगा, फिर एक उसके ऊन के गोले बनाए जाएंगे। जो लंबी फाइबर्स है, लॉन्गर फाइबर्स है, उनके स्वेटर के लिए इस्तेमाल होगा। छोटी वाली को स्पन यानी कि रोल करके छोटे छोटे वुलन क्लोथ बनाए जाएंगे। अब देखिए फिर से हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं क्या स्टेप्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले शियरिंग, शियरिंग मतलब शीप की बॉडी से हेयर और स्किन को रिमूव करना। स्कोरिंग, उसको वॉश करना। सॉर्टिंग, उसको सेपरेट करना धागों को। क्लीनिंग करना, बर्स को बर हटा देना जो आ जाते हैं स्वेटर पे। फिर उसको डाई करना, एक कलर लगाना, और फिर रोल कर देना, और उसके बाद तो मार्केट में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, जो लोग भी वुल इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर ये सारे काम करते हैं, सॉर्टिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, सफाई हो गई, इनकी जॉब बहुत ही रिस्की होती है और इन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया से? एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया है और ये एक फेटल यानी कि मार देने वाला जान से एक ब्लड का डिजीज़ है। इस डिज़ीज़ को बच्चों कहते हैं सॉर्टर्स डिजीज़। इस तरह का रिस्क फेस करने वाले जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करने से बीमार पड़ते हैं, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। तो आप याद रखना, एग्जाम में सॉर्टर्स डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है। सॉर्टर्स डिजीज़ क्या होता है? सॉर्टर्स डिजीज़ ऐसे याद रखना, जो ऊन को सॉर्ट करते हैं, वुलन इंडस्ट्री में सॉर्टिंग का काम करते हैं, उन्हें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया गया है। एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने क्लासमेट्स के साथ आप डिबेट करिए कि हमें क्या शीप को रियर करना चाहिए, क्या उनके हेयर को वूल के लिए रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए आगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिल्क के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। सिल्क की फाइबर, देखिए जो सिल्क है, सिल्क बहुत ही शाइनी होता है। आपने घर में देखी होगी सिल्क की साड़ी, और सिल्क की साड़ियाँ आपको पता ही है बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी पड़ती हैं। अब ये जो फाइबर्स होती हैं सिल्क की, ये भी एनिमल से मिलती हैं, यानी कि ये देखिए सिल्क मॉथ बना हुआ है, इसी से हमें मिलती हैं। अब सेरीकल्चर किसे कहते हैं? जब हम सिल्क वर्म्स का पालन पोषण करते हैं, किस लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क पाने के लिए, उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर लाइफ हिस्ट्री दी हुई है सिल्क मॉथ की। देखिए सबसे पहले ये ध्यान देंगे हम कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है, जिसमें से क्या हैच होंगे? लार्वा निकलेगा। फिर से मैं बता रही हूँ, ये रही फीमेल, ये रहा मेल, ये दोनों मेटिंग करेंगे, इनका क्या होगा? एग निकलेगा, है ना। जो एग होगा, ये देखिए आपको दिख रहे हैं एग, ये मलबेरी की लीव्स हैं। ये जो फीमेल है ये एग्स ले कर देगी मलबेरी की लीव्स पे, यानी कि शहतूत के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उस पे। ये अंडे जब फूटेंगे इसमें से क्या निकलेगा? सिल्क वर्म्स निकलेंगे या कैटरपिलर निकलेंगे। ये बड़े होते जाएंगे और फिर फाइनली ये नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, और यहाँ पर सिल्कवर्म जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा ये? इट विल बिकम प्यूपा। यहाँ देखिए, इट विल बिकम प्यूपा। अब प्यूपा का काम क्या है? देखिए, जब ये कैटरपिलर सिल्कवर्म बड़ा होता जाता है तो ये, एक सेकेंड, तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है? यहाँ पर देखिए आप, जब ये बड़ा होता है तो ये बड़ा होता होता अपने चारों तरफ कुकून बनाता जाता है, अपने चारों तरफ कुछ सिल्क के धागे बनाता जाएगा, और इससे क्या होगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बड़ा होने के लिए, मॉथ बनने के लिए। आप खुद समझ रहे हैं ना कि जब मेल फीमेल ने बेबी दिया तो वो कैटरपिलर स्टेज पे है, अब यहाँ पे तो ये उड़ नहीं सकता है, फिर ये प्यूपा बन जाता है, यहाँ पर ये प्यूपल स्टेज में है, फिर अपने चारों तरफ कोकून के धागे रेशे बनाते जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए और ग्रो करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसे बनना तो यही है ना, मम्मी पापा जैसा बनना है, मेल या फीमेल जैसा बनना है, उड़ने वाला एक छोटा सा कीड़ा बनना है, सिल्कवर्म बनना है, तो ये स्टेजेस से गुजरेगा। लेकिन जब इस स्टेज में ये अपने चारों तरफ कुछ रेशे बनाता जाता है फिगर ऑफ एट की फॉर्म में, ऐसे, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसके हेड के, कैटरपिलर एक फाइबर को सिक्रीट करता है यानी कि रिलीज करता है, और इसी फाइबर को जो प्रोटीन की फॉर्म में है ये हार्ड हो जाती है एयर के एक्सपोजर में और बन जाती है सिल्क की फाइबर। कैटरपिलर अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और प्यूपा बन जाता है, और ये जो कवरिंग है अपने शरीर पे, जो बार बार कवरिंग बना रहा है, इसे कहते हैं कोकून। प्यूपा फाइनली मॉथ बन जाता है, यानी कि अपने मदर या फादर जैसा बन जाता है, एक मॉथ बन जाता है, उड़ जाता है। लेकिन जो सिल्क की फाइबर है वो हम ले लेते हैं, और सिल्क की फाइबर से हम क्या करते हैं? सिल्क की थ्रेड बनाते हैं। सिल्क यार्न को हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिल्क के जो धागे हैं या गोले हैं या ऊन है, इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का जो कोकून होता है, जब वो बॉर्न होता है, उसके बाद एग से हैच होके कोकून बनाता है, उस समय हम उससे ले लेते हैं। तो कई सारी वेराइटीज़ हैं, अगर आप देखें, डिपेंड करेगा किस तरह की सिल्क है, सॉफ्ट है, हार्ड है, या फिर बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। तो कई तरह की सिल्क इंडिया में है, टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ इंडिया में है वो है मलबेरी सिल्क मॉथ, यानी शहतूत के पत्तों पे जो सर्वाइव करती है।
जो सिल्क फाइबर हमें इसकी मिलती है वो होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी, इलस्ट्रस मतलब होता है शाइनी और इलास्टिक, और इसे कई सारे कलर्स में हम इसको डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर जो सिल्क वॉर्म्स का है इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, बहुत सारे लोग इसे करते हैं और बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उनके घर चलते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है कि सिल्क क्लॉथ के पीसेस को आप कलेक्ट करें, उनको कई सारे शेप्स में काटें और टेलर से भी आप ले सकते हैं, उन्हें कलेक्ट करें, फिर अपनी मदर की हेल्प लें, फिर उसके बाद कई सारे टाइप्स की सिल्क आप उसमें से सर्च कर सकते हैं, मलबरी, टसर, इस तरह से आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक आर्टिफिशियल सिल्क की थ्रेड लें और एक प्योर सिल्क की थ्रेड लें। आर्टिफिशियल सिल्क और प्योर सिल्क, इन दोनों को जलाएं। क्या आपको कुछ स्मेल में डिफरेंस समझ में आया? एक वुलन फाइबर को भी आप बर्न करके देखें, क्या वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह स्मेल कर रहा है? इस तरह से आपको पता चलेगा कि रियल में सिल्क की आखिरकार स्मेल क्या होती है या रियल में सिल्क कौन सा है। इसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है, ये चार्ट पेपर पे आपको परफॉर्म करनी है। इसमें आपको बस सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल बनाना है, तो आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कोकून टू सिल्क। अब देखिए कोकून बन गया, उसके बाद सिल्क कैसे बना। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो बहुत सारे अंडे देती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देखिए सिल्क मॉथ ने बहुत सारे एग्स दिए, ये एग्स को हम कुछ पेपर पे स्टोर कर लेते हैं या फिर एक क्लोथ में स्टोर कर लेते हैं और सिल्क वर्म फार्मर्स को दे देते हैं। ये जो फार्मर्स हैं इन एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, सूटेबल टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी लेवल पे, और ये एग्स को इतना गर्म कर दिया जाता है, एक टेम्परेचर पे रखा जाता है कि वो लार्वा बन जाता है, यानी कि अंडे फूट जाते हैं, उसमें से लार्वा निकलता है। ये तब किया जाता है जब मलबरी लीव्स जो होती हैं, यानी कि मलबरी के पत्ते, शहतूत के पत्ते फ्रेश होते हैं। ये जो लार्वा होता है इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं या सिल्कवर्म भी बोलते हैं, ये दिन रात उन पत्तों को खाता रहता है। और इसका साइज़ ये देखिए, ये रही सिल्कवर्म जो फीमेल है, इसने अंडे दिए, इन अंडों को देखिए लीव जो है मलबरी की उस पर रख दिया जाके फार्मर्स ने, फिर उसके बाद ये लार्वा इसको खाता जाएगा पत्तों को और बढ़ता जाएगा साइज़ में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये जो लार्वा है इसको क्लीन बैम्बू ट्रे में रखा जाएगा विद मलबरी लीव्स। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर इनको खाना बंद कर देगी और एक बैम्बू के छोटे से चेंबर में चली जाएगी, क्योंकि अब वो कुकून बनाएगी, मैंने जैसे कि आपको बताया था। अब ये कुकून क्या होगा, छोटी छोटी रैक्स के अंदर इनको ट्रेज में जगह मिलेगी, बहुत सारे कुकून्स बनते जाएंगे और फाइनली फार्मर क्या करेगा, इन कुकून्स को लेकर इससे धागे बना लेगा जिससे सिल्क प्रोसेस करेगा। अब सिल्क प्रोसेस कैसे होगी, जो पाइल यानी कि ढेर लग गया है कुकून्स का उसे लेके हम यूज़ करेंगे। इन कुकून्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले धूप लगवाएंगे, फिर इनको बॉईल करेंगे, फिर इनको स्टीम से एक्सपोज करेंगे यानी कि स्टीम लगाएंगे इस पर, फिर इसमें से जो धागे हैं सिल्क की फाइबर्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने थ्रेड निकाले कुकून से, इसको कहते हैं रीलिंग ऑफ द सिल्क। इसे याद रखना आप, फिर से मैं बता रही हूँ, रीलिंग किसे कहते हैं, कोकून से धागे निकालना सिल्क के। रीलिंग मशीनों के द्वारा की जाती है और सिल्क फाइबर्स को उसके बाद सिल्क थ्रेड्स में बनाकर फिर सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। तो बहुत इजी था, एक पैराग्राफ ये छूट गया। इसको हम देखते हैं कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एग्जैक्ट टाइम तो आज तक नहीं पता हमें कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बट एक चाइनीज लेजेंड कहते हैं जिनका नाम था एम्प्रेस सी लुंगची, उन्हें एक एम्परर थे हांग टी, उन्होंने पूछा था कि जो मलबरी लीव्स हैं, शहतूत की पत्तियां हैं, ये इतनी डैमेज क्यों हो जाती है उनके गार्डन की। तो उस समय जो राजा था उनको क्या मिला वहाँ पे, उस पर ना वाइट कलर के वर्म्स मिले जो मलबरी लीव्स को खाए जा रहे थे। फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया जो राजकुमारी थी कि ये जो छोटे छोटे कीड़े हैं ये अपने चारों तरफ शाइनी कोकून्स बनाए जा रहे हैं। एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक कोकून उनकी चाय में गिर गया और उसमें से एक थ्रेड सेपरेट हो गई, और इसी वजह से कहते हैं कि वहीं पे चाइना में सबसे पहले सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। सिल्क इंडस्ट्री चाइना में शुरू हुई और इसका जो सीक्रेट था उन्होंने बहुत सालों तक छुपाए रखा, और लेकिन धीरे धीरे कुछ समय तक जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो भारत आए और इसके बाद एक सिल्क रूट डेवलप हुआ, यानी कि जहाँ जहाँ सिल्क का बिजनेस किया जाता था ट्रैवल कर करके, उसी को सिल्क रूट बोला गया। तो ये रहा चैप्टर, एंड हो चुका है। अब हम फटाफट इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच पार्ट, देखिए आंसर द फॉलोइंग, विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। देखिए वूल के जो पार्ट हैं वो कोई भी हो सकते हैं, मैंने जैसे कि कहा बियर्ड हेयर हो सकते हैं, अंडर हेयर हो सकते हैं, वो कहीं पे भी बाल हो सकते हैं।
इसके बाद है सिल्क, व्हाट इज़ मेंट बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। देखिए ये वाइट फ्लीस यानी कि हेयर की बात हो रही है। इसके बाद सिल्क वर्म क्या होता है, कैटरपिलर होता है, लार्वा होता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सिल्क वर्म क्या होता है एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो एक कैटरपिलर होता है, या फिर उसको आप लार्वा भी बोल सकते हो, दोनों उसी के नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल, कौन वूल नहीं बनाता। देखिए याक बनाता है, कैमल हमने पढ़ा था बनाता है, गोट बनाता है, लेकिन वूली डॉग नहीं बनाता। व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, रियरिंग किसे कहते हैं, वो पालन पोषण करना अभी हमने पढ़ा था, शियरिंग जो हेयर हैं शीप के विद डेड स्किन उसको रिमूव करना, सेरीकल्चर किसे कहते हैं अभी मैंने बताया था, ये जो रियरिंग ऑफ हम सिल्क वर्म किया जाता है टू प्रोड्यूस सिल्क उसी को सेरीकल्चर कहते हैं, बहुत इजी है। फिर उसके बाद ये सीक्वेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग के बाद क्या होता है स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर उसके बाद आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये पूरी सीक्वेंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये समझ आ गया। इसके बाद हम कर लेते हैं फटाफट मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम करते हैं स्कोरिंग, स्कोरिंग किसे कहते हैं, ईल्डिंग सिल्क फाइबर्स को, वूल ईल्डिंग एनिमल को, फूड ऑफ सिल्क वर्म को, रीलिंग को, या फिर क्लीनिंग शियर्ड स्किन को। क्लीनिंग शियर्ड स्किन को शियरिंग कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। स्कोरिंग कहा जाता है क्लीनिंग को, तो ये इसका सही रहेगा, क्लीन करते हैं हम उसको, स्कोरिंग कहते हैं। फिर उसके बाद मलबरी लीव्स क्या होती हैं, मलबरी लीव्स किसका है, फूड है, किसका, सिल्क वर्म, उसको खाता है। याक क्या करता है, याक एक वूल ईल्ड करने वाला एनिमल है, और कुकून क्या है, कुकून ईल्ड्स सिल्क फाइबर्स। सो आई होप आपको ये आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो गेम है, ये आप कर ही सकते हैं। सो ये रहा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, किस तरह से फाइबर से फैब्रिक बनता है। इसमें हमने वूल देखा, हमने शीप के बारे में पढ़ा, कैमल गोट सब पढ़ा, और बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जो भी एग्जाम से पहले इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनका एग्जाम है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।